जय जगन्नाथ, मुँ सुश्री चंद्र अबाड़ी, मेडसाई ओडियार फिजिक्स फैकल्टी। तुम समस्त को आज वीडियो को स्वागत जनावि। पाने आम या पूर्वर यूनिट टू रे जोटा कि आम करेन्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी तार सीएचएससी बोर्ड पीवाईक्यू सब सॉल्व करचे, बहुत गुड़े न्यूमेरिकल्स एक्चुअली सॉल्व करचे। आज क्लास हूँ क्लास नंबर 4, जोटि आउ कि न्यूमेरिकल्स आम सॉल्व करवा। या पूर्वर यूनिट टू पूर्वर आम यूनिट 1 रो भी किछटा न्यूमेरिकल सॉल्व करचे, जोड़ा कि सब सीएचएससी बोर्ड रो ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब थिला। तो जदि देखिना हो से वीडियो सब आम चैनल रो ही प्लेलिस्ट अवेलेबल अच्छे, से प्लेलिस्ट रे सब गुडा वीडियो अवेलेबल अच्छे, यू कैन चेक आउट फ्रॉम दैट ऑल्सो। तो चलो आज क्लास बहुत इंटरेस्टिंग हम, बहुत गुडे नुआ फॉर्मूला नुआ कांसेप्ट जानिबा को मिलिबो। क्लास रे पूरा लास्ट जाए रहिबो। आउ जमती आमर रूल थिला आम जितना पी वाई क्यू सॉल्व करवा, फाइनाली तुम केते आंसर आसला आउट ऑफ दैट 5टा 6टा जितकी भी थी आम जितना भी आम सॉल्व करवा, से जितकी आंसर आसला सेटा मत कमेंट सेक्शन में निहाती लिखिकी जनइबो। आउ ता सहित जहाँ भी असाइनमेंट दिया हबो नेक्स्ट क्लास रो वीडियो आसीबा पूर्वर दयाकरी कमेंट सेक्शन में निहाती आंसर जनइकी रखिबो, ठीक अछि। तो आउ डेरी करबानी, चलो क्लास को स्टार्ट करवा। तो आज क्लास रे फर्स्ट क्वेश्चन आमर अच्छे 2014 रहा 2 मार्क क्वेश्चन, पे 2 मार्क्स क्वेश्चन टा आसी। क्वेश्चन कौन गिवन अच्छे ना, ए कॉपर वायर एंड एन एल्युमिनियम वायर ऑफ द सेम डायमीटर हैव देयर लेंथ इन द रेशियो 1:2 एंड देयर रेजिस्टिविटीज इन द रेशियो ऑफ 5:9 कंपेयर देयर रेजिस्टेंसेस। हेला तो क्वेश्चन को थोड़ा बुझ, सी कौन दुटा वायर अच्छा, गोटे हूँ कपर रोटे हूँ आलुमिनियम दुटा वायर भितर से कंडीशन कौन कही सेम डायमीटर, दुजन जाक डायमीटर सेम अच्छे। डायमीटर कौटा एटा इतिके टोटल ए रेडियस, दुटा रेडियस मिसले आम डायमीटर हूँ, तो यहाँ आम डी दुजन जगह पर डीएस मान आम ये लिखिपर कंडीशन डी कॉपर इज इक्वल टू डी एल्युमिनियम, दुजन जगह रेशियो सेम अच्छे। बट जो लेंथ अच्छी, ये जो लेंथटा अच्छी वायर रेन्थ आम कौन है, लेंथ मान रेशियो गिभेन दे आम गिभेन जहाँ अच्छे आम रूल अनुसार आम फर्स्ट लिखिदे गिभेन कौन ना रेशियो ऑफ कॉपर वायर टू एल्युमिनियम वायर हेज 1:2। तो कॉपर पर एल सी डिवाइड बाय एल एल्युमिनियम एल ए इज इक्वल टू कैसे 1/2 है। आउ गोटे कौन कंडीशन देला इक्वेशन 1, तापर कौन कंडीशन देला एंड द रेजिस्टिविटीज इन द रेशियो ऑफ 5:9। तो रेजिस्टिविटी कौन एल रो ए रो सी डिवाइडेड बाय रो ए इज इक्वल टू 5:9 बा 5/9, ये दुटा आम इक्वेशन हो गले, ठीक अच्छे। तो अच्छा मत गोटे कथा कह, रो मान रेजिस्टिविटी फाइंड कौन करमको फाइंड करवा कौन कंपेयर कर रेजिस्टेंस से दुजन जाकर रेजिस्टेंस केते होची। आमे गोटे जिनस मन रखीचे, गोटे फर्मूला आमर अच्छी, आम लास्ट क्लास रे भी सेटा डिस्कस करथिले, लेंथ रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस एम को नहीं गोटे एक्सप्रेसन अच्छी, कौन से एक्सप्रेसन ही आमर पुट हम। अच्छा उइनो रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू कौन आम फॉर्मूला रो रेजिस्टिविटी इनटू एल डिवाइडेड बाय ए हला ना। बट ए आम के जानचे गोटे सर्किल रो ए केते हबो माने एरिया एटा ये दे दीची डी हला, ये दे दीची डी माने डायमीटर। तो रेडियस केते हबो, रेडियस इज इक्वल टू डी बाय 2 हबो हम। एरिया केते हबो, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हबो। तो आम ये लिखिपर पाई डी बाय 2 आर रो जगह आम डी बाय 2 पुट कले स्क्वायर कले, तो ये केते हबो पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ए वैल्यू एतिक आसला ना, ए रो वैल्यू तुम फाइनाली एतिक आसला। आम नहीं कौन करवा ये केवल पुट करवा कौन ना रो एल डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एति, ठीक अच्छे। तो आम ये आम कौन कमन काढ़ आमर डी को कमन काढ़ कारण कमन अच्छे दुजन जाक सेम अच्छे। तो ये आम पाई 4π को मैं बाहर काढ़ आपको जिते बड़े सल्व करवा आर इज इक्वल टू तुम के रो एल इंटु 4 डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर
हम ना कांस्टेंट आम काढ़ फोर बाय पाई रो एल डिवाइड बाय डी स्क्वायर हला। तो ये आमर आउ कौन कांस्टेंट अच्छी, कांस्टेंट आम बाकी पर देखीदे जहाँ भी कांस्टेंट थी। आमर आम फास्ट आलुमिनियम कपर पर लिखा, कपर कपर पर रेजिस्टेंस आर सी इज इक्वल टू कहते हम फोर बाय पाई रो सी एल सी डिवाइड बाय डी सी र स्क्वायर हला। सिमिलरली आमर ये किए आलुमिनियम, आलुमिनियम ये कौन हम आर ए आर ए इज इक्वल टू भी सेम हम, बस एक्सप्रेशन खाली चेंज हम रो ए एल ए डिवाइडेड बाय डी ए र स्क्वायर केवल एटी। यहाँ हूँ इक्वेशन थ्री, यहाँ हूँ इक्वेशन फोर। ए दुटा को आम नहीं कंपेयर करवा। अच्छा देख ये आम सी कंपेयर करवाको तो आम कपर डिवाइडेड बाय कौन करवा आलुमिनियम एतिक लिखिद जार तार वैल्यू पुट कर आर के फोर बै पाई रोसी एल सी डिवाइड बाय डी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय आलुमिनियम रे ना फोर बै पाई रो ए एल ए डिवाइड बाय डी स्क्वायर। ठीक अच्छे एतिक आम लिखीदे कैनसल कौन हो पे देख लो फोर बै पाई को फोर बै पाई आउ कि आम कैनसल एवं करवानी ये मुझुअली रुह टे डी ये हूँ डी सी ये हूँ डी ए। अच्छा ये कौन खाली रहा तो रो सी एल सी डिवाइड बाय डी सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय रो ए एल ए डिवाइड बाय डी ए स्क्वायर एतिक थिला। ताकु जदि आमे टिके सॉल्व कर देबा लेफ्ट साइड रु डिनोमिनेटर रु न्यूमेरेटर न्यूमेरेटर को नेबा रो सी डिवाइड बाय डी सी स्क्वायर एल सी इंटू डी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय नहीं हाँ तो रो ए एल एतिक लिखिपर एतिक लिखिपर तो आपको ये कौन करवा आम सब जैसे रेजिस्टिविटी वाला टर्म को गोटे साइड को सब टे सजे लिखिदे केमती कौन हो तो ये कौन हम रो सी डिवाइड बाय रो ए ये गोटे टर्म हो गला मल्टीप्लाइड विथ रो सी एल सी डिवाइड बाय एल ए हला। तापर कौन रहा डी ए स्क्वायर डिवाइड बाय डी सी स्क्वायर एटा आमर इन जनरल फॉर्मूला एटा होची आमर इन जनरल जदि कौनसी भी प्रॉब्लम रे तुमको रेजिस्टिविटी रिलेटेड किसी प्रॉब्लम देदेला लेंथ रिलेटेड कौनसी प्रॉब्लम देदेला बा डायमीटर कि रेडियस जहाँ भी गोटे एवं आम केवल डायमीटर आकार रे देछि बोली आम डायमीटर फॉर्म रे लिखीजे ना जदि आम केवल आर रे देथिबो माने रेडियस फॉर्म रे देथिबो आम पाई आर स्क्वायर पके कि नॉर्मल आर रे ही लिखिबा तो डायमीटर दो कि रेडियस दो माने रिलेशन ए पलैसलाल्टी केवल डायमीटर केस रे उल्टी जी बाकी समस्त डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होकर अच्छा डायमीटर को डायमीटर गोटे कथा देख दिजन जगह सेम डायमीटर तो आपको आम कैनसल करें कैनसल आउट हो पारे कारण आम जाने डी ए डी सी इज इक्वाल टू डी ए दिजन जगह कंडीशन आगु ये अच्छी जस्ट ये कंडीशन टा है तो कैनसल आउट हो गले तो ये आम कौन करवा आर सी डिवाइडेड बाय आर ए इज इक्वल टू कत रहा तो रो सी डिवाइड बाय रो ए इंटू एल सी डिवाइड बाय एल ए। अच्छा आमर क्वेश्चन रे गिवन थिला ना ए दुटा एक्सप्रेशन रेसीओ समय गिवन थिला तो आम पुट करदे ये देख कौन अच्छी इक्वेशन वन आउ इक्वेशन टू वन बाय टू इंटू फाइव बाय नाइन तो यहाँ के फाइव बै नाइन इंटू वन बै टू आउ कि भी अच्छे कि ना तो एतिक आमर रहा आम आपको किसी तो कैनसल आउट हो तो आम लिखिद फाइव बै एटीन किसी भी कैनसल आउट होनी पाने तो आमर के जदि आम दिज जाक कंपेयर करवा रेसीओ के आर सी इज टू आर ए इज इक्वल टू फाइव इज टू एटीन
दिस इज योर फाइनल आंसर। इटा एक्चुअली 2 मार्क क्वेश्चन पिले जेहेतु तुम्हें नुआरे प्रॉब्लम सॉल्व करछो दैट्स व्हाई मते ओडा स्टेप कली नो नीड टू एक्सप्रेस एलाबोरेट लाइक दिस। तुम्हें केवल कॉन्सेप्ट बुझी जाओ डायरेक्ट तुम्हें कौन करिबो ए फॉर्मूला जानिछो ए फॉर्मूला रे डायरेक्ट पुट कर दबो कॉपर आउ डायरेक्ट रेशियो रे पुट कर परिबो हला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन होछि 2020 रे गोटे क्वेश्चन आसतिला जोटा कि 3 मार्क क्वेश्चन पिला माने 3 मार्क्स। गोटे क्वेश्चन कौन देखिला ना स्टेट ओम्स लॉ कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर ऑफ रेडियस ऑफ ए कंडक्टर सॉरी डबल ही जेजीटी मुई रेज कर दी और ऑफ ए कंडक्टर ऑफ रेडियस रेडियस कते देछि ना 0.5 मिलीमीटर। एति क्वेश्चन एमती अच्छी हला पुणि थर पढ़ी दौर क्वेश्चन कौन दे स्टेट ओम्स लॉ कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर ऑफ रेडियस 0.5 मिलीमीटर एंड लेंथ 10 सेंटीमीटर हैविंग रेजिस्टेंस 25 ओम। हला तुमको ये कौन क्वेश्चन गिवन कहला कहला फास्ट्रे स्टेट कर ओम्स लॉ तो ओम्स लॉ जहाँ स्टेट कर स्टेटमेंट आम लिखा तापर कौन कैलकुलेट द कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी रे फॉर्मूला समस्त जानिछो सेठी नेकि पुट करबा गिवन वैल्यू तो ओम्स लॉ कौन कहूँ ओम्स लॉ कौन कहूँ ये दिस लॉ स्टेट्स दैट दिस लॉ स्टेट्स दैट एट constant temperature at constant temperature एटी देख न्यूमेरिकल ना तुमको गोटे किसी थीओरी सांगे देदेला जेहेतु 3 मार्क क्वेश्चन तो आम स्टेटमेंट लिखा तापर प्रॉब्लम को जीवा जहाँ जो क्वेश्चन पचार पाने से तुम जमी भी अटेंड करने को ही पड़ो ये केवल स्टेट लिखिक स्टेटमेंट लिखिक छाड़ पार से अनुसार स्टेप वाइज मार्किंग ही मिल जाव न्यूमेरिकल भी ये सल्व करवाक पड़ो जो तुमको 3 मार्क टोटाल दरकार। This law states that at constant temperature, current flowing through a conductor is directly proportional directly proportional to the potential difference applied across the two ends of a conductor। हला स्टेटमेंट आम जाणीदे कौन ना आमर गोटे गोटे सर्किट भितर दुटा जो टर्मिनाल पॉइंट थे से देखिए जो करंट पास कर टोटल से कंडक्टर देखिए जो करंट पास कर एट कांस्टेंट टेम्परेचर सी क्या सागर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम करंट जी पास कर पोटेंशियल डिफरेंस दुटा जाक टर्मिनाल भितर जी थी तांगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम तो आम ये लिखिपर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई तो प्रोपोर्शनल उठे कि इक्वेट जदि करबा ताहाले आमे कोन पुट करबा गोटे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट इज आर तो आमे एटी जानिले हियर आर आर इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज यहाँ आम कौन कह आर को नोन एज रेजिस्टर रेजिस्टर बा रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कह रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है ये गला आमर फर्स्ट सेक्शन क्वेश्चन रापर आसला सेकंड सेक्शन। सेकंड सेक्शन कौन कौन न्यूमेरिकल सी कौन कैलकुल क्वेश्चन टी देखे कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर ऑफ रेडियस तो यहाँ आम लिखिद गिभेन कौन कौन दे हियर गिभेन रेडियस केते गिभेन आर इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर तो
आम आपको मीटर रे कन्वर्ट कर दबा आम जानचे कौन कही आम फास्ट कंडीशन कौन आम यूनिट एंड डायमेंशन भी देखा पड़ो ये आम एस आई यूनिट अच्छे तो एस सी जी एस यूनिट अच्छे एस आई रे कन्वर्ट करा पड़ो तो 0.5 × 10^2 मिलीमीटर अच्छे एक्चुअली सी जी एस रे नुह नर्माल आम गोटे वैल्यू अच्छे आम मीटर रे कन्वर्ट करवा तो 10^-3 मीटर गला तापर कौन है लेंथ देती लेंथ के लेंथ देती 10 cm यहाँ आम सी जी एस रे अच्छे तो 10 cm 1 cm इज इक्वाल टू 100 cm इज इक्वाल टू आम 100 cm 1 cm 1 m तो 10 cm के हम ना आम 0.1 m हला ये गला तापर कौन गिवन देती रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस 25 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 25 ओम कौन फाइंड आउट करवा कहि आ गोटे कथा ये आम जेहतु गोटे कंडक्टर नौचे तार कौन आम ना एरिया नवा केमी यार कंडक्टरटा एम वायर भाया होती है तो आर यहाँ कौन हम सरफेस एरिया आसव एरिया ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर से तो आमको आर गिभेन करा तो पाई आम मल्टीप्लाय कर केते पाई इंटु 0.5 × 10^-3 एति लिखिपर तापर आम कम कौन कंडक्टिविटी फाइंड आउट करवा तो कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू केते फॉर्मूला ना एल डिवाइडेड बाय आर इंटु ए तो सब वैल्यू आम पुट करदे एल के 0.1 m डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होची 25 m इंटु यार वैल्यू के पाई आर स्क्वायर थिला एटी स्क्वायर मु देछि ना स्क्वायर तो ये कहला इंटु 0.5 × 0.5 × 10^-3 × 10^-3 एति कारण स्क्वायर अच्छे तो आम डबल थर लिखा पड़ो तो आपको जो सॉल्व कर ये कैसे आस 0.1 / 25 × π × 0.05 × 10^-6 एम सब कैलकुलेशन है फाइनाल तुम आस 5.092 × 10^-3 तो कंडक्टिविटी तुम एति पलैस ये भी ये हूँ तुम फाइनल आंसर कैलकुलेशन कले आंसर आसीज तो आशा कर जिनसा भी तुम बुझीपार किसी ना केवल गिभेन देता से भैल्यू तुमको पुट करसन हो तुम मेन ये तुम कैलकुलेशन जब ठीक ठाक कर तुम आंसर भी ठीक पलैस तो आशा कर जिनसा तुमने बुझीपार जदि कौन डाउट अच्छे कमेंट सेक्शन में निहां लिखिक जनइब नेक्स्ट आ गोटे क्वेश्चन देखा चलो ये गोटे क्वेश्चन देती 2020 गोटे क्वेश्चन आसाला फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ए आउ बी आम फिगर में देती से मितर से मुझे कौन कहे ना आम फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करवा अच्छा फिगर देखिए तुम जापार कि दिस इज ए वेटस्टोन ब्रिज आर ओन पी क्यू आर एस मझे रहा आउ गोटे रेजिस्टर जी जोटा कि आम लिखुले एमती कहीपर आर ओन आर टू आर थ्री आर फोर मझे आम जाचे वेटस्टोन ब्रिज केस्रे कौन हम ना मिडिल ये जो मझे जो सर्किट रेजिस्टेंसटा थी आम नेग्लेक्ट करदे हाँ ना तो यही टर्मिनाल रु स्प्लीट है एमती आसला पुणी आउ थे एमती आसिकी ये जॉइंट हो टर्मिनालटा पूरा पूरी कम्प्लीट है तो आर कि भी कम ना जो मिडिल रे जो रजिस्टर थी ना ये रजिस्टरटा आर कि भी कम ना तो आम नेग्लेक्ट करदे तो आम ये लिखिदे चलो टे ड्र करदे फिगर आम ड्र कर फिगर को केवे भी छाड़बन कारण यहाँ 3 mark क्वेश्चन क्वेश्चन तुम एमती आम एम ड्र करदे तो तुमको बुझीज तो यहाँ हूँ टर्मिनल ए दिस इज योर टर्मिनल बी एटा हूँ आर ओन आर टू आर थ्री आर फोर इम वैल्यू केते किभन अच्छी आर ओन हूँ 2 ओम आर टू हूँ 3 ओम
आर थ्री हो जी 2 ओम, आर फोर भी 3 ओम, ये हो जी 4 ओम, जोड़ा कि आमर आर फाइव हला। तो एटा को जब इक्विवेलेंट करिवो ये नेगलेक्ट हो जीवो, नेगलेक्ट हेले केमती ड्राइंग हबो तो एकटा पॉइंट हमें लिखि देबा, तापर हमें नेगलेक्ट कर केमती नेगलेक्ट होची सेटा लिखि देबा। दिस इज द फॉर्म ऑफ वेडस्टोन ब्रिज, इन हुईच वी कैन नेग्लेक्ट द आर फाइव रजिस्टर फ्रॉम द सर्किट हला। ताहले हमरा फाइनल देन फाइनल सर्किट विल केमिति हबो, ताको हमें नेग्लेक्ट कर देचे ना। तो ए बी ये होची आर वन, ये होची आर टू, आर थ्री, आर फोर, ये होची 2 ओम, नेक्स्ट के 3 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 3 ओम हला। एतिके तमरो ना रेजिस्टेंस रो वैल्यू एपर्स गुट कहला टर्मिनल, सॉरी सॉरी बोले टर्मिनल गुडा को एमती लागिनी रुह। एटा 2 ओम, ये दी साइड रूम 2 ओम आसा 3 ओम हला। क्वेश्चन हाँ ठीक अच्छे 2 ओम 2 ओम, तापर ये भी एटा भी 2 ओम, टू ओम, एटा 3 ओम हला। तो आम फाइनल सर्किट आमर एति रोक। तो अच्छा ये गोटे जिनस देख, आर एस वन एस टू आमर ये कौन कौन आम सीरीज अच्छा कौन कौन पारेलल अच्छा तुम गोटे जिनस देख सीरीज किए किए अच्छे ये आम सीरीज ए दिज अच्छा हाँ ना ए दिज सीरीज अच्छा ए दिज सीरीज अच्छा ए दिज पारेलल ए दिज पारेलल बुझिपार। तो आम ये लिखिद आर एस वन फास्ट सीरीजटा आम के अच्छे ना ये आमर अच्छा आर वन प्लस आर थ्री टे पहले मुझे कनफर्म कर दिए ठीक अच्छे। तो ये कते हम तेल 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 5 ओम। सिमिलरली आर एस टू सेकेंड सीरीज रे की किए अच्छा 2 4, आर टू प्लस आर फोर ये मैंने के 2 प्लस 3 ये भी हम 5 ओम। बट ए आर एस वन मान यहीटा आउ दिन पारेलल कम्बिनेसन अच्छा, तो जदि पारेलल कम्बिनेसन अच्छा तेल आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के 1 बै आर एस वन प्लस 1 बै आर एस टू एटा 1 बै आर इक्विवेलेंट। तो आम ये लिखिपर 1 बै आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बै 5 प्लस 1 बै 5 इज इक्वल टू 2 बै 5 आम आसूँ। तो आर इक्विवेलेंट ताल कत हम आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 बै 2, तो 5 बै 2 हेले आम कत हम 2.5 2.5 ओ। तो फाइनल आंसर तुम कत आसला आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2.5 ओ। दिस इज योर फाइनल आंसर हला। तो कनसेप्ट बुझ के रेजिस्टर लगी सर्किट रे केतरा रेजिस्टर लगी एमती प्रकार जो टर्मिनाल अच्छे आम मिडिल रे जो भी वेस्टर्न ब्रिज टाइप रे जो फॉर्म होमें मझे जो पूरा पूरी मझे रेजिस्टरटा थी आम नेग्लेक्ट करदे आपर दुईटा आम सीरीज रे थे दुईटा कम्बिनेसन सीरीज बाला आमको फाइंड आउट करवाक पड़ो से दुटा होगा से दुटा जो फाइनाल आंसर आसान नहींक आम पारेलल कम्बिनेसन
फर्मुला रे पुट कर दवा तो हमर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पलेसबो। तो आशा करछि एटा भी बहुत सहज थिला, किछि भी ये नथिला, तमे कांसेप्ट को बुझी पारथिबो। नेक्स्ट आउट गोटे क्वेश्चन अच्छे 2016 रो क्वेश्चन थिला, माने 2016 रो गोटे क्वेश्चन थिला फाइव सेल्स ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट, ये भी हमर 3 मार्क क्वेश्चन हला। तो कौन क्वेश्चन अच्छे फाइव सेल्स ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंसेस 0.1 ओम आर कनेक्टेड इन सच ए मैनर दैट द करंट इन एन एक्सटर्नल रेजिस्टर ऑफ 10 ओम इज मैक्सिमम, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। अच्छा तुम मन पे गोटे होमवर्क रहला, तुम मैंने ट्राई करो 2016 रो 3 मार्क क्वेश्चन टाक बुझा चेष्टा करो, जदि न कर पारिबो मध्यो डोंट वरी हैव पेशेंस, मु तुमको नेक्स्ट क्लास रे निहाती जणाई देबी, सॉल्व करके ही देखाइ देबी डायरेक्ट। बट एटी क्वेश्चन कोन कहै ना, 5टा सेल अछि माने बैटरी, जो एमटी बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल जार के गोटे गोटे रो वैल्यू केते ना 1.5 वोल्ट हला। इंटरनल रेजिस्टर से मनगर रेजिस्टेंस केते ना 0.1 ओम हला। तापर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आसी के लागी छि केमिति, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जडे कैपिटल आर सी हो छि हमर 10 ओम। अच्छा सॉरी एटे लिखुनी, एटे लिखि दो छि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होची 10 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस ईच एंड एव्री पार्टिकल सेल मानकर केते ना 0.1 ओम, बैटरी मानकर वोल्टेज केते पावर केते अछि समांगर 1.5 वोल्ट ईएमएफ हला। एतिके गिवन दला, से कहला सर्किट रे करंट केते पास करछि। अच्छा ट्राई करो ए जिनसटा, जदि सॉल्व न हे परछि कमेंट सेक्शन रे लिखि के जणेबो, कांसेप्टटा जदि बुझि पारने मु निहाती लिखि के मु बुझै देबे तमानगु। जदि भी न हो कहुछ मध्ये मु नेक्स्ट क्लास रे निश्चय एटा को बुझेबी। ता परे थरे निजे ट्राई करो, किछिटा क्वेश्चन निजे ट्राई करो, 3 मार्क रो क्वेश्चन बट किछि एथरे नाही, केवल सर्किटा केमती रहा जानव आतीक जानवा दरकार जे ईएमएफ माने कनेक्शन रे रहिले जमी सीरीज पैरेलल आम रेजिस्टर कैपासिटर पर कम्बिनेसन थाए ना, सेमती ही बैटरी पर ईएमएफ जोड़ा आम कहे सेल बैटरी सब एका जिनस हालांकि कम्बिनेसन थाए। तो ये कम्बिनेसन अनुसार तुम गोटे कनसेप्ट अच्छी बैटरी मानकर सीरीज कम्बिनेसन पैरेलल कम्बिनेसन एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल बैटरी लगी से कम्बिनेसन सब कम्बिनेसन रुमर सिलेबस अवेलेबल अच्छी ये जिनसटा। तो ट्राए करो यहाँ सॉल्व करने केवल गोटे फर्मूला पड़ो आह करेन्ट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एतिक को लेकिन आउ गोटे फर्मूला फाइनाल पड़ो। तो आशा करा भी तुमने सॉल्व कर देव मोर से विश्वास अच्छी, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, डीमोटिवेट फील करना ही, नेक्स्ट क्लास मुझे तुमको यहाँ सॉल्व करके देखे। आउ गोटे असाइनमेंट तुमको या रहा देख यहाँ हूँ ये क्वेश्चन टा ना तुमको लगे मैम के बड़ क्वेश्चन टेन के बड़ होमवर्क देदेले ना ना कि भी ना वन मार्क क्वेश्चन पे यहाँ सी कही केवल गोटे सर्किट डायग्राम करने को सी एत जानवाक चाहूँगी एक्जामिनर जी जी क्वेश्चन तैयारी करवाक चाहती जे तुम्हें गोटे सर्किट्रे सब जिनस को डिजाइन करें एरेंज करें समस्त स्कीमाटिक डायग्राम तुम जाच कि नहीं सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन जोटा को कहे। तो ये कौन कौन कही ड्र ए सर्किट डायग्राम टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, तुमको ये किसी दरकार ना जो कौन फाइंड आउट करा कि वरी हे आवश्यक ना तुमको सी केवल ये पचार जाच कि नहीं सिंबल गुड़ाक एक्रस ए 10 ओम रेजिस्टर व्वेन इट इज कनेक्टेड इन सीरीज with 20 ohm resistor and 6 volt of source. One mark question. सर्किट टा केवल पचारि तुम्हें किसी करनी केवल सर्किट टा करदेव जेहेतु वन मार्क आमको अधिक एलाबोरेट करने आवश्यक ना केवल सर्किट टा ड्र करदेव कौन कौन ये तुम कनेक्शन रख गोटे 10 ओम रेजिस्टर आउ गोटे 20 ओम रेजिस्टर आउ गोटे 6 वोल्ट सोर्स है ये तीन टा जिनस को कर जदि भी करपार कमेंट सेक्शन टाइम लिखिक जनाओ मुझको सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन सांगे एरेंजमेंट कहीदेवी सीरीज आउ पैरेलल कॉम्बिनेशन रे केमी आम एरेंज करके रखा सर्किट भितर से तुमको से बुझेदेवी। तो मुम कमेंट अपेक्षार रही देखा के इंटरेस्ट अच्छी सर्किट डायग्राम को लेकिन कर पार्टी वेल डन कीप इट अप आउरी प्रैक्टिस कर तुमको देख के सिंपल जिन पचार केवल गोटे सर्किट आ कि नुह सर्किट्रे कौटी कौन टा प्लेस हम
ଠିକ ଅଛି, ସିରିଜରେ ପଚାରିଛି। ଦେଖ ଏଠି ସିରିଜରେ ପଚାରିଛି, ତା ମାନେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ସିରିଜ ଆଉ ପାରାଲେଲ କମ୍ବିନେସନ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ। ଏବେ ଯେ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରି କରି ଆସିଲେ ନା ସିରିଜ ଆଣ୍ଡ ପାରାଲେଲ କମ୍ବିନେସନ, ତ ଓବିଅସଲି ତମକୁ ଏଇଟା ଜଣାଥିବ। ସେଇଟା ହିଁ ସେ କେବଳ ତମଠୁ ପ୍ରୁଫ ମାଗୁଛି ଯେ ତମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ। ତ ୱାନ୍ ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଖାଲି ଲେଖିଦେବ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ। ଠିକ ଅଛି, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ମୁଁ ଆନ୍ସରରେ ନିଶ୍ଚୟ ତମକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କହିବି, ସେଇଟା କିଛି ୱରି ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବ ନିଜ ଆନ୍ସରକୁ, ସର୍କିଟଟା ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ। ହେଲା, ତ ଟ୍ରାଏ କର ଏ ଜିନିଷଟା ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। 2ଟା ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ତମ ପାଇଁ ରହିଲା, ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଗଲା। ହେଲା, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତମେ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦେଖା ହେବା, ସେଇଠି ଆଉ କିଛିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ସ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଦିଏ। CHSEର ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ତମମାନଙ୍କୁ ସାଇନ୍ସର ସିଲାବସ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ବହୁତ ଏଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜରେ ମେଡ୍ସାଇ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ତମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ତମେ କୋର୍ସେସ୍ ସବୁ ପରଚେଜ୍ କରିପାରିବ। ସେଠି ତମକୁ ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସେସ୍, କ୍ୟାରିୟର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଗାଇଡେନ୍ସ, ଫ୍ରି ନୋଟ୍ସ, ତା ସହିତ ରେକର୍ଡିଂସ ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ୱିକ୍ଲି ଟେଷ୍ଟ, ସବୁକିଛି ତମମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ମିଳିପାରିବ। ସବୁକିଛି ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜରେ ମିଳିପାରୁଛି। ତମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବେନିଫିଟ୍ ଏଇଆ ହେଉଛି, ତମମାନେ ସବୁ କମ୍ବୋ ପ୍ୟାକ୍ ନେଇପାରିବ, ମାନେ 4ଟା ଲେଖେ ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେମିତିକି PCMB, PCBI, PCMI, ଏମିତି ନେଇପାରିବ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଯଦି ତମକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଇଚ୍ ସିଙ୍ଗଲ ସବଜେକ୍ଟ ବି ଯଦି ତମର ପରଚେଜ୍ କରିବାର ଅଛି, ସେ ବେନିଫିଟ୍ ବି ତମମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁଛି, ସେ ସୁବିଧା ବି ତମମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ମିଳିପାରିବ। ଯେ ତମେମାନେ ଚାହିଁଲେ, ତମକୁ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ମୋ କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଫିଜିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ତମମାନେ ଫିଜିକ୍ସ ବି ନେଇପାରିବ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥ୍, ବାୟୋଲୋଜି, ସବୁକିଛି ତମମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି, IT, ସବୁକିଛି ତମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ବି ନେଇପାରିବ। ସୋଲୋ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, କମ୍ବୋ ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ତମମାନଙ୍କର ବହୁତ ୱିକ୍ଲି ଟେଷ୍ଟ ସହିତ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ ସେସନ୍ ବି ବହୁତ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠିକି ତମକୁ ପର୍ସନାଲି ତମମାନଙ୍କୁ ତମମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରାଯାଉଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ତମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ସହିତ ଏବେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରାସ୍ କୋର୍ସ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। କ୍ରାସ୍ କୋର୍ସରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ୍ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ, ଯଦି ମଧ୍ୟ ତମେ ଡରୁଛ ଯେ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଖକୁ ଆସିଲାଣି, ମ୍ୟାମ୍ ଆମେ କିଛି ବି ପଢ଼ିନୁ, କେମିତି ସବୁ ସିଲାବସ୍ କଭର୍ କରିବୁ, କେମିତି ଆମେ ବୋର୍ଡ଼ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବୁ, ତ ଆମେ ଅଛୁ, କିଛି ୱରି ହେବାର ନାହିଁ। କ୍ରାସ୍ କୋର୍ସ ତମର ନଭେମ୍ବରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଲଞ୍ଚ ହେଇସାରିଲାଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଯଦି ପରଚେଜ୍ କରିବାର ଅଛି, ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଦିଆ ହେଇଯାଇଥିବ, କ୍ରାସ୍ କୋର୍ସ ହେଉ କି କମ୍ବୋ ମାନେ ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଇଁ ହେଉ, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତମମାନଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଦିଆ ହେଇଯାଇଥିବ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବ ଆଉ ସବୁକିଛି ତମେ ସେଇଠୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିପାରିବ। କ୍ରାସ୍ କୋର୍ସରେ ତମମାନଙ୍କ ରିଭିଜନ୍ ସହିତ ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମିଳିପାରିବ, ତମେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସବଜେକ୍ଟର ରିଭିଜନ୍ କରିପାରିବ, ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ ସେସନ୍ କରିପାରିବ, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ସବଜେକ୍ଟର ତମେ ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବ, ମାନେ ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଳିଆ ଯେମିତି ତମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛ, ପୁରା ସେମିତି ମଡ଼େଲରେ ହିଁ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ, ତମେ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବ ଆଉ ନିଜର ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କ ବି ଆଣିପାରିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବ। ସବୁକିଛି ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ତମକୁ ମିଳୁଛି, ତ ଲେଟ୍ କରନି। ଯଦି କିଛି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ। ସବୁକିଛି ଏତିକି ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ତମେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତମେ କୌଣସି ବି ପ୍ୟାକେଜ୍ ପରଚେଜ୍ କରିବା ବେଳେ ତା ଉପରେ ଯଦି ପ୍ରମୋ କୋଡ଼ SSP10, ସବୁ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ, SSP10 ଯଦି ୟୁଜ୍ କରୁଛ ତାହେଲେ ସେହି ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ଯାହା ବି ତମର ପ୍ରାଇସ୍ ଥିବ ସେଥିରେ ତମମାନଙ୍କୁ 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଫର୍ଟେ ନା, ତ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଲେଟ୍ କରନି, ଜଲ୍ଦି ସବୁ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। କ୍ରାସ୍ କୋର୍ସ ବି ନଭେମ୍ବରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ତ ଯଦି ଜଏନ୍ ବି ହେବାର ଅଛି, ଏବେ ବି ଲେଟ୍ ହେଇନି, ତମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଏବେ ବି 2-3 ମାସ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ିକି ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିପାରିବ ଆଉ ନିଜକୁ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରିପାରିବ। ତ ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, PYQ ସିରିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିହାତି ଲେଖିକି ଜଣେଇବ ତମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଆଉ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ତ ଏତିକି ଆମେ ଆଜି ଏଠି ରଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ କିଛିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।